बिहार विधानसभा में एनआरसी पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया और इसी के साथ अब फाइनल हो गया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। वहीं एनपीआर पर संशोधन के लिए भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। 2010 के आधार पर अब एनपीआर कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है, यानी इसमें माता पिता की डिटेल देना जरूरी नहीं है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही यह कहते रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, लेकिन बजट सत्र के दौरान इसे सदन में भी पारित कर दिया गया है। कांग्रेस शासित राज्य पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनके यहां एनआरसी लागू नहीं होगा। अब इस कड़ी में बिहार भी शामिल हो गया है, जहां सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले बिहार विधानसभा में एनआरसी और एनपीआर प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने कहा है कि एनआरसी लागू नहीं होगा और एनपीआर के लिए भी नए प्रारूप में बोल रहे हैं। तेजस्वी ने पूछा कि क्या सीएम नीतीश लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें, बिहार में एनपीआर लागू होगा या नहीं। विधानसभा में सीएए एनआरसी को लेकर तेजस्वी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उनके साथ राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, अवधेश सिंह, ललित यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी ने सीएए में मुस्लिमों को शामिल करने की मांग की। तो बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।